हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप बर्बादी की कगार पे आ सकते हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में बुराइयां आपको दे सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप हो सकता है जेल तक जा सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपके जीवन में जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे फ्रेंड हो, और चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे कोई भी आपके जीवन में हो, चाहे आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ इतना जानना है कि सामने वाले व्यक्ति का राहु किस राशि में बैठा हुआ है। वह राहु आपके लगन से संबंध बनाता है, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपकी पर्सनालिटी की के लिए अच्छा संकेत नहीं है, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उस व्यक्ति का आपके जीवन में होना आपकी छवि को खराब कर सकता है। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ दोस्तों, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं उदाहरण लेता हूँ मेष लगन के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि पहले घर में आ रहा है, मेष लगन राइज हो रहा है, तो अब हमें क्या देखना है कि सामने वाले व्यक्ति का यदि राहु कुंडली के किसी भी घर में एरी साइन में आ जाता है, तो यह राहु इस व्यक्ति के लगन से संबंध बनाएगा। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? यह ऐसे व्यक्तियों की वजह से, ऐसे एरीज लगन के व्यक्ति हो सकता है ज्यादा एग्रेसिव या ज्यादा उकसाने में आगे हो, या किसी भी तरह के झगड़े में ऐसे व्यक्तियों का हाथ बहुत ज्यादा हो कि उसने ऐसा चढ़ाया तो उसने उससे लड़ाई कर लिया। तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों से अक्सर दूर रहना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु जिनकी कुंडली में राहु उस राशि में बैठा है जो राशि आपके लग्न में राइज हो रहा है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, कि यदि मेष लग्न में बारहवें घर में देखा जाए तो मीन राशि आता है, और सामने वाले की कुंडली में यदि मीन राशि में राहु आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आपके हॉस्पिटल जाने का कारण बन सकता है। हॉस्पिटल जाने का कारण और उसके साथ साथ आपके जेलियों का भी कारण बन सकता है, आपके आइसोलेशन का कारण भी बन सकता है। बहुत लोग एडिक्शन में आते हैं और उनको आइसोलेट होना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है। तो यह इस प्रकार के राहु से बचना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु आपके बारहवें घर से संबंध बना रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में देखो एरीज लगन आ रहा है, और सेकंड हाउस में टॉरस साइन आ रहा है, और सामने वाले व्यक्ति का अगर देखो तो राहु यदि टॉरस में आ जाए, सपोज करो राहु यहाँ पे आ जाता है टॉरस साइन का, तो आप देखो यह राहु को ऑब्सेशन होगा आपके पैसे से। यह राहु आपके पैसे के लिए आपसे दोस्ती कर सकता है। इस तरह का व्यक्ति आपके पैसे का लालच हो सकता है, उसको आपके पैसे चाहिए। और यदि उसके सातवें घर में ही राहु है, सामने वाले व्यक्ति के कुंडली में सातवें घर में ही राहु है, तो आप देखो अपने बिजनेस के लिए, अपने डेली इनकम के लिए, आपके धन भाव के लिए वो आपसे मित्रता रखेगा, या आपके साथ रहेगा, या आपके पीछे रहेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहे जिनकी कुंडली में राहु आपके धन भाव से संबंध बनाए। अब देखेंगे यदि राहु किसी की कुंडली में पंचम भाव से संबंध बनाता है तो क्या रिजल्ट होता है। सपोज करिए कि सामने वाले की कुंडली में 5 नंबर के साइन में, लियो साइन में राहु बैठ जाता है, तो यह उसके पंचम भाव से संबंध बनाएगा। तो पंचम भाव हमें एडिक्शंस को भी बताता है, पंचम भाव हमारे माइंड को भी बताता है। तो यह व्यक्ति हमारे माइंड को खराब करेगा, यह व्यक्ति हमें बुरी आदतों में डालेगा, हमें अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों का लत हो सकता है। इस व्यक्ति की वजह से यह व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यह राहु पंचम भाव से इस व्यक्ति से संबंध बना रहा है। तो हमेशा उस व्यक्ति से दूर रहें जिनकी कुंडली में राहु आपके पंचम भाव से संबंध बना है। राहु उस राशि में है जो राशि आपके पंचम भाव में है, तो हमेशा उस व्यक्ति से आप दूर रहें। अब बात करते हैं 11वें घर की। तो यदि किसी की कुंडली में यदि 11वें
तो अब यदि किसी की कुंडली में कुंभ राशि में यदि किसी का राहु बैठ जाए और वह उसके 11वें घर से संबंध बनाए, तो ऐसे में आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए इन व्यक्तियों का डिजायर बहुत हाई हो जाता है। अब डिजायर हाई होने का मतलब ये है कि वो उस डिजायर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, किसी भी लिमिटेशन को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए, आप अलर्ट रहें जिनकी कुंडली में राहु आपके 11वें घर से संबंध बनाता हो, क्योंकि ये आपकी इच्छाओं को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई कर देगा और आप उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जिनकी कुंडली में राहु आपके 11वें घर से संबंध बनाए। अब दोस्तों, ये तो बात थी सिर्फ मेष लग्न की, इसी आधार पे आप सभी लग्न के आधार पे आप समझ सकते हो, जैसे आपका कुंडली में 1 से लेके 12 राशियों तक कोई भी राशि यहाँ पे पंचम भाव में आती है, तो आपको उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जिस व्यक्ति की राशि में राहु बैठा है और वह राशि आपके पंचम भाव से संबंध बना रहा हो। सपोज करिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जिनकी कुंडली में राहु मीन राशि में है, और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे जिनकी कुंडली में 1 से लेके 12 नंबर की राशियों के बीच में कोई भी राशि सेकेंड हाउस में आती हो और सामने वाले व्यक्ति का भी राहु उसी राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको दूर रहना है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपका लगन, यहाँ पे 1 से लेके 12 नंबर की राशि कोई भी आपके लगन में राहित हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहे जो भी राशि आपका लगन में राहित हो रहा है और सामने वाले व्यक्ति का राहु उस राशि में है, तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा 11वें घर का भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि 11वें घर इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कामनाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो उनसे भी आपको अक्सर दूर रहना चाहिए। और 12वें घर का मैंने एग्जाम्पल दिया ही था कि वो आपके लिए जेल युग का या मेडिकल एक्सपेंस का कारण बन सकता है, ऐसे व्यक्ति का राहु आपके लिए बुरा होगा। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल था, और इसके साथ साथ आप 8वें घर का भी एग्जाम्पल समझ सकते हो, क्योंकि 8वां घर जो होता है वो अष्टम घर बुरा होता है, डेथ का होता है, आपका पैसा अक्सर इसमें डूबता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगली का राहु आपकी मृत्यु का भी कारण बन सकता है, या आपके आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए उस व्यक्ति की वजह से कि आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ा, आपको अपने जीवन में बदलाव करना पड़ा, या आपको हिडन होना पड़ा या छिपना पड़ा, या कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यदि अष्टम घर से सामने वाले व्यक्ति का राहु जुड़ता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी तरह के और वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह के और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अवेयर हो सके कि किन व्यक्तियों के साथ आपको आपके जीवन में रहना चाहिए और किन व्यक्तियों के साथ आपको और किन व्यक्तियों के साथ आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।